ji. That was a quick one day stop at Barog. दो दिन रुकने का प्लान था, एक दिन में जा रहे हैं चैल की तरफ. चैल में एक दिन का प्लान था और चैल में हो गए हैं अब दो दिन. और इसी के साथ मैं आ चुका हूँ वापस हाईवे पे बरोक की तरफ. बरोक से चैल, चैल से शिमला, जर्नी कंटिन्यूज. क्विक रिलैक्सिंग ब्रेक. सिर्फ डेढ़ घंटे का रास्ता है, ज़्यादा जल्दी है नहीं, रिलैक्स करते हुए जाना है. फाउंड अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट. कैमरा में बहुत छोटा दिख रहा है इतना सा, बट वन बिग मैसिव माउंटेन फुल ऑफ बिल्डिंग्स. ये पक्का से कोई बड़ा शहर होगा. ओप्स, पीपल आर गोइंग क्रेजी. सुपर फास्ट रोड भी काफ़ी मज़ेदार लग रही है. Beautiful. Everything looks so beautiful. Everything is so green, lush green. मतलब आपको pictures में contrast करने की ज़रूरत ही नहीं है. Automatically ये edited pictures हैं. कुछ भी खींचो वो सुंदर ही आने वाला है. तो yeah, I mean I love this weather. जब निकल रहा था तो मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों से पूछा कि यार घूमने के लिए चलते हैं, the so called bikers, you know. एंड दे ऑल सेट कि नहीं यार बारिश का टाइम है, गीले हो जाएंगे, ये वो मुश्किल हो जाएगी. बट आई डोंट अंडरस्टैंड, आई मीन दिस द परफेक्ट टाइम. बारिश के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ तीन फायदे निकलने के. एक, लो टूरिस्ट सीजन. आप कहीं भी जाओ आपको टूरिस्ट नहीं मिलने वाले, सो वाई नॉट. सेकेंड, आप थकते नहीं हो. आप कितना भी गाड़ी चलाओ, कितना भी आप रुको, ट्रैक करो, कुछ भी करो, बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसमें कितना भी वर्कआउट कर लो थकावट मिनिमम होगी. आई डोंट नो व्हाई. तीसरा, आपको गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी और सड़क पे मिट्टी होगी, पॉल्यूशन होगा, वो भी नहीं लगेगा. सो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम. अभी मज़ा आ गया यहाँ से, मैंने ड्रोन उड़ाया, बहुत ही ज़बरदस्त फुटेज फैली है. यू नो इट्स मोमेंट लाइक दिस दैट आई ट्रैवल सोलो फॉर. जहाँ मर्जी जो मर्जी करो. एंड हियर्स द थिंग अबाउट ट्रैवलिंग एंड ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग. आई हैव रिपीटेड अ फ्यू टाइम्स, आई विल रिपीट इट वंस मोर. इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर ब्लॉगिंग, यू आर नॉट ऑलवेज एन्जॉइंग बिकॉज यू हैव टू डू वर्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पर आया. ये एक घर सा बना हुआ है और उसके ऊपर ऐसे लेंटन डाला हुआ है. तो इफ आई वर नॉट ब्लॉगिंग आई वुड हैव सैट देयर एंड एन्जॉयड दिस ब्यूटी. बट बिकॉज आई एम ब्लॉगिंग एंड आई हैव टू क्लिक पिक्चर्स, शूट वीडियोज, आई डेंट हैव टाइम टू डू दैट. जितना टाइम मेरे पास था 10 मिनट 15 मिनट, वो मैंने यहाँ पे ड्रोन उड़ाने में और कुछ पिक्चर्स खींचने में जाहिर कर दिए. तो द थिंग इज, जो मैंने ड्रोन फुटेज बनाया दैट्स अल्टीमेट. वॉच इट नाउ.
All right, time to move and leave this beautiful location behind. You beautiful location, I'm going to miss you. मेरी अगली वीडियो में 30 सेकंड का वक्त तुम्हें ज़रूर मिलेगा. That's where I'm staying. So good thing that's happening on this trip so far is jahan pe main ruk raha hu, they have the parking. That's my Java park right there. एंड विद दैट डे टू हैज़ बिगन. कल चैल पहुंचा था मैं और कल मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, जस्ट रेस्टेड अ बिट. एक दो वीडियो एडिट करनी थी वो किया और कुछ बारिश भी हो रही थी सो आई जस्ट रिलैक्स्ड इन माई रूम. प्लान फॉर टुडे इज़ आई एम गोइंग टू चैल मेन टाउन जहाँ पे चैल पैलेस और कुछ और जो चीज़ें हैं चैल माल रोड वो सब देखने वाला हूँ. नीचे अभी मोटर बाइक रेडी कर दी है. दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग. रिमेंबर गाइज आई टोल्ड यू ऑन दिस ट्रिप आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग अ फ्यू प्लेसेस जो थोड़ी हटके हैं, थोड़ी एक्सक्लूसिव होम स्टेज आई एम ब्रिंगिंग टू यू गाइज. सो आज भी मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पर पहुँचा हूँ. प्रॉपर्टी के नाम का फिक्र मत करो, वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा जस्ट लाइक इट हैपेंड द प्रीवियस वीडियो. अभी अंदर जाता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एग्जैक्टली व्हाट डू वी हैव हियर. सो यहाँ से अंदर गए, देयर ओनली टू रूम्स, वन रूम दैट इज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय मी और एक और डबल शेयरिंग ऑफकोर्स. आप यहाँ से ऊपर जाते हो, कल वाली जो बरोग की प्रॉपर्टी थी वो भी कुछ इस टाइप की थी, मतलब एक्सक्लूसिव होम जहाँ पे आपको किचन मिलता है, मोर लाइक एयरबीएनबी अपार्टमेंट काइंड ऑफ सेटिंग. तो एग्जैक्टली इसमें ही वही है, यू गेट योर ओन किचन वेयर यू कैन कुक इफ़ यू वॉन्ट टू और यू गेट अ हेल्पर केयर टेकर हु कैन कुक फॉर यू. सो यू गेट दिस, यू हैव योर ओन लिविंग एरिया जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, यू हैव ग्रुप मीटिंग, आप दोस्तों के साथ मज़ा कर सकते हो, बॉनफायर का मज़ा ले सकते हो. सो दैट्स व्हाट वी हैव हियर, ओनली टू रूम्स बट दिस मैसिव प्रॉपर्टी. सो दो रूम्स नीचे और उसके बाद यू हैव योर ओन लिविंग रूम, यू हैव योर ओन किचन, यू हैव योर ओन टेरेस इफ यू वॉन्ट यहाँ से बाहर जहाँ से आपको अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, एंड यू हैव योर ओन गार्डन डाइनिंग टेबल और आपको अपना गार्डन भी मिलता है. द गार्डन्स बीन टेकिंग केयर राइट नाउ. तो काफ़ी साइज में बहुत बड़ा लेकिन दो ही रूम, सो प्रिटी अमेजिंग. और अगर आपको प्राइसेस और जगह के बारे में नाम वगैरह वो सब जानना है, वीडियो को लास्ट तक देखो, लास्ट में आपको नाम और डिटेल्स मिलेंगी. ऑलराइट, टाइम टू गो टू चैल मेन टाउन और अभी थोड़ा सा मेन टाउन एक्सप्लोर किया जाएगा. Guys, you need to come to Chail in monsoon. इतना ज़्यादा शांत है इस टाइम. पूरी रोड पे मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए चलाते चलाते, पूरी रोड पे मुझे कोई नहीं दिखाई दिया. कई बार अपने मनाली जाके भी इतना मज़ा नहीं आता, अपने सेथन में इतनी शांति नहीं मिलती जितनी इस टाइम मानसून सीजन में चैल में मिल रही है, चंडीगढ़ से सिर्फ 1.5 घंटा दूर. Oh, there's a car coming. What? ये क्या हो रहा है?
Alright guys, so this is the Chail Palace. It costs you 100 rupees to go inside. Should I go inside or should I not? Is the question. I'll maybe ask the guy there. अच्छा इसका 100 रुपीस एंट्री फी है और आपके हिसाब से वर्थ है क्या देना? तो हेरिटेज प्रॉपर्टी है सर. हाँ अंदर घूमने के लिए है काफ़ी? घूमने के लिए तो काफ़ी तो नहीं है, इतना बड़ा लॉन है बाहर और लॉबी एरिया वगैरह है. हाँ मैं कुछ यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियोस और वो सब बनाता हूँ ना. वो आपने रिसेप्शन पे कंफर्म कर लेना. ठीक है जी. सो दिस इज अ Chail Palace फॉर यू गाइस. Just visiting this place, all you have is this gallery. You have this bit and that bit, because most of the things, most of the places are only for residents. If you're not staying here, you cannot go up. But because this is low tourist season, I have given permission to go up and shoot what we have up there. So if you're not staying here, you cannot come here unless of course you take special permission from the reception area. उसके बाद आप लोग यहाँ आ सकते हो, but I'm pretty sure जब बहुत ज़्यादा लोग होते होंगे तो they won't allow. This time there are no residents, so they said, all right, if you want to go and shoot some footage, you can do that. And these are the views. And this is a bit of information about the place. This is the only interesting bit about this place, otherwise it's one big boring place that charges 100 rupees on top. Would I ever revisit? No. Why would I? That's my Java waiting. इस जगह से अच्छा मैं कुछ खाली पहाड़ों वाली जगह पे जाऊंगा और उनको घूमूंगा. This is Chail. बारिश हो गई एकदम से. And this is exactly my situation right now. आप लोग को Chail घुमाते हैं, Chail बारिश के मौसम में. बारिश में बाइक हो गई थी गंदी, मैंने किसी की टंकी से पानी पाइप निकाल के उसको धो दिया. गुड मॉर्निंग गाइस, डे 3 इन Chail हैज बिगन और आज के प्लान के हिसाब से मैं जा रहा हूँ शिमला, मेरे बर्थ प्लेस पे. तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग जर्नी. सो अभी सुबह के 9 बजे और प्लान के हिसाब से सबसे पहले तो अपनी बाइक को, जो बेचारी नीचे खड़ी है, उसको उसका कवर हटा के. ओ बाय द वे गाइस, रिमेंबर लास्ट जर्नी मैंने बोला था कि जब आप टूरिंग करोगे जहाँ 42 के लिए तो एक कवर ले लेना, ताकि आप कहीं भी इसको पार्क करो तो लोग इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी ना करें. मैं वो कर रहा हूँ एग्जैक्टली इस जर्नी पर. तो अभी मोटर बाइक को हल्का सा साफ़ करना है, नीचे जाके ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद सामान पैक करके निकलना है. लेकिन निकलने से पहले एक और चीज़ जो करूँगा वो अपने इस गेस्ट हाउस से, जहाँ पर मैं होटल में रुका हूँ, यहाँ से एक बार ड्रोन उड़ाएंगे, सुबह के मौसम का आपको मज़ा देंगे, हल्का सा गेस्ट हाउस का बाहर का नज़ारा देंगे और फिर निकलेंगे.
guys, time to leave and go to Shimla. That's our move.